अस्सलाम वालेकुम मंसीस भाई, मामला दिया कि आज की वीडियो का हमारा थीम थोड़ा डिफरेंट है। आज हम पूरी मंडी आपको गाड़ी से ही घुमाएंगे। की वजह यह कि एक यूनिक आइडिया आया था, बाबा ने कहा कि तुम बनाओ। बाबा का आइडिया मेरा नहीं है कि मैं मुझे अच्छा लगा आइडिया, तो हमने कहा चलो ये भी बनाते हैं क्योंकि हमारे पास है। तो आपको पूरा वॉक थ्रू दिखा देते हैं भाई कि हम मंडी घूम रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मंडी में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे वीआईपी पट्टी इधर मौजूद है। यहाँ पे सारी वीआईपी पट्टी लग गई है, वो सामने शमसी कैटर फार्म आ रहा है। और इसके अलावा आपको पूरी वीडियो में इसमें सिनेमेटिक्स और वो सब चीजें नहीं होंगी, रेट्स वेट्स नहीं होंगे, लेकिन पूरी मंडी हम घुमा देंगे वाया एक ड्राइविंग। उसमें आप देख सकते हैं ये सारी वीआईपी पट्टी यहाँ पे मौजूद है, सब वीआईपी सारा सिस्टम यहाँ पे लग चुका है। तो ये आपको देख सकते हैं ये इस तरफ जो है, जो अभी आप सामने देख रहे हैं सफायर ब्लॉक है। और अभी बहुत से जो वीआईपी सेटअप वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इनका जो टेंट वेंट है वो लग रहे हैं। तो अभी हम लोग मेन रोड से ही लेंगे, फिर उसके बाद वहां से एंटर होंगे। सफायर ब्लॉक, गोल्डन ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स आपको दिखाएंगे, केपी के ब्लॉक, पंजाब ब्लॉक और बकरा मंडी भी आपको हम साथ साथ दिखाते जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं भाई सीधा हम लोग अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे कुछ नहीं है, वहाँ पे थोड़े बहुत अपने वीआईपी कैटर फॉर्म, लेकिन अभी वहाँ खाली है। लेकिन ये सफायर ब्लॉक है, वीआईपी ब्लॉक ही जिसको हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसे वैसे भी हैं और मतलब ठीक ठाक यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। तो ये वो ब्लॉक है जहाँ पे मतलब सारे जानवर, अभी ज्यादातर जानवर यहाँ पे उतरा है। तो अब हम लोग मुड़ रहे हैं मेन उसकी तरफ, यहाँ से अभी हम लोग आपको दिखाएंगे, वॉक थ्रू करके दिखा देंगे एक सफायर ब्लॉक का, और उसके सफायर ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही गोल्डन ब्लॉक है, तो आपको दिखाएंगे। और ये इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि जो लोग मंडी आते हैं जिनको नई जगह पता लग रही है भाई कि कहाँ पे सफायर ब्लॉक है, कहाँ पे गोल्डन ब्लॉक है, कहाँ पे पंजाब ब्लॉक है, कहाँ पे केपी के ब्लॉक है, या बकरा मंडी का है, ऊंट मंडी का है, तो उनके लिए भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ये मेन रोड अभी आप देख रहे हैं, आपने कहीं ऐसे नहीं मुड़ना जहाँ मंडी लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं पहला कट है। जो दूसरा कट आएगा ना वो करीम सेटर फार्म का, जो आपको पिछली वीडियो से मैंने दिखाया था। और ये इस वजह से मैं ये दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोगों का जो मेन फोकस है वो करीम सेटर फार्म क्योंकि फेमस है, इससे लोगों को ये होगा कि आइडिया हो जाएगा कि भाई हम लोग क्या हिसाब किताब है। तो मेन रोड से आगे हम लोग यहाँ से टर्न हुए, ये सारा माल यहाँ पे उतरा हुआ है, वो सामने आप देख सकते हैं वो करीम सेटर फार्म है, लेकिन ये सारा करीम सेटर फार्म का जानवर है। और यहाँ पे ये सारा सफायर ब्लॉक है और ये अच्छा खासा भर चुका है, ये इतना भरा हुआ नहीं था जितना पहले पिछली बार में आया था तो उतना था, लेकिन अब आप देख सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड ब्लॉक्स ऑफ मंडी। ये आप देख सकते हैं हम लोग उसके अंदर चली जा रहे हैं और ये उसके साथ ही बिल्कुल गोल्डन ब्लॉक है। तो जैसे गोल्डन ब्लॉक में एंटर होंगे मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं भाई बहुत ज्यादा जानवर आ गए। अगर आप लोग को याद हो मेरी फर्स्ट वीडियो जो मंडी की थी, जो मैंने सिब्बी की बनाई थी, टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिब्बी के चार पांच जानवर खड़े हुए थे और मैंने आपको आई लव चाइल्ड दिखाया था बड़ा क्लोजली। लेकिन अब आप देख सकते हैं हर तरफ तंबू लग चुके हैं, बिल्कुल जबरदस्त मामला हुए हैं। ये शान कैटर फार्म लगा हुआ है यहाँ पे, ये सफायर ब्लॉक है। बेसिकली मैंने आपको इसमें बताया कि यार ये वीआईपी ब्लॉक है, उस हिसाब से यहाँ पे जानवर भी थोड़े वीआईपी किस्म के ही है। तो आप देख सकते हैं मंडी में अगर मुझसे पूछेंगे आज, हालांकि ट्यूजडे योंग में तकबीर के उसमें छुट्टी दी थी हमें यहाँ पे, देखें मैं तो रेगुलर बेसिस पे आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये था कि आज रश होगा, लोग आएंगे, लेकिन अभी तक तो मंडी खाली है। शायद गर्मी की वजह से लोग इस टाइम पे नहीं आ रहे, रात के टाइम आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे बहुत वीआईपी जानवर हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, कोई है, मतलब हल्की कैटेगरी का जानवर आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ये देखें भाई आप, कलंदी कैटल फार्म है ये, और इसके बाद माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जानवर खड़े हुए हैं आपके सामने, बिल्कुल ये देखे भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त वैरायटी खड़ी है यहाँ पे, और माशाल्लाह काबिले तारीफ चीजें। तो अब हम आगे चलते हैं, अभी उतर के आपको नहीं दिखा सकते, आपको बताया था कि सारे रस्ते वस्ते दिखाने और थोड़े बहुत जानवर आपको इसी तरह चलते फिरते दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो का थीम हमारा ये है। लेकिन ये सारा सफायर ब्लॉक है, इसके बीच में कैटल फार्म मिक्स है, बीच में व्यापारी मिक्स है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें एक दो छोटे जानवर यहाँ नजर आए, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे सारा बड़ी कैटेगरी का ही माल है। तो जो लोग छोटे कैटेगरी ढूंढ रहे हैं उनका भी हम दिखाते हैं उन्होंने कहाँ जाना है। लेकिन अभी ये है कि मैं आपको सफायर ब्लॉक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे शुरू है मंडी, तो हम जो है सिक्वेंशियली आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से जो है ना हम लोग जो अब हम जो टर्न हुए, तो हम लोग टर्न हो चुके हैं गोल्डन ब्लॉक में, ठीक है। ये थोड़ा सा है इसके सफायर ब्लॉक और गोल्डन ब्लॉक ऐसे पता नहीं लगता है, लेकिन ये ऐसे ही है भाई, थोड़े से गोल्डन ब्लॉक के रेट थोड़े कम है, सफायर के ज्यादा है। वो सामने एक ह्यूमंगस सिब्बी चलता हुआ आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, एक जबरदस्त सिब्बी आ रहा है। ये शायद वही सिब्बी वाले जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत जबरदस्त सिब्बी था, आप देख सकते हैं। ये सारा गोल्डन ब्लॉक है। अभी बाबा को मैं बोलता हूँ आगे से जाके राइट होंगे ना, I can't resist this one. कौन सा वाला भाई, बाबा कह रहे हैं I can't resist this one, तो देख लेते हैं वो कौन सा वाला जिसको बाबा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। ओ माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह बोल दिएगा एक बार, क्या चीज है भाई, जबरदस्त A1। ओए होए 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 ओए होए होए होए, इसकी मैं उतर के आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज नजर आई है हमें यहाँ पे, उतरना जरूरी पड़ गया, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूमंगस। यार इसके दांत कितने, चार लग रहा है, चार है भाई ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कद है क्या पलत है। सिब्बी की मैं आपको एक बार बताता चलूं, हाइट तो अच्छी होती होती है, लेकिन ये पला भाई बहुत जबरदस्त है। ओए ओए ओए, मैंने सिब्बी की एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाई हुई है आप लोग के लिए, लेकिन भाईजान ये जो चीज लेके आए हैं, इसके क्या मांग रहे हैं भाईजान, 50 लाख रुपए इसके मांगे हैं, चार दांत ये बछड़ा है, लेकिन क्या बात है भाई क्या चीज है। इसके साथ जाके थोड़ा खड़ा होना ताकि इसका कद तो पता चले,
आपके आपसे जरा मुतवाजे तो कराएं। ये देखें भाई, ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कमेंट करिएगा माशाल्लाह, बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज नजर आई है। कोई इसमें वो नहीं है कि सींग काटे हैं या कुछ भी, माशाल्लाह प्योर पली हुई चीज है, चार दांत है, 50 लाख रुपए मांगे हैं। वजन में भी ये सबसे टॉप क्लास सिप भी मुझे नजर आया अभी तक। तो शुक्रिया भाई आपके ताबुन का, और आगे चलते हैं अभी गाड़ी में, दोबारा बैठते हैं और आपको मंडी और हम घुमाते हैं। है ना, आप मैंने जैसे मुझे नजर नहीं आया, लेकिन बाबा ने मोड़ी है गाड़ी के भाई, ये देखे बगैर तो मैंने पुरानी आंखें हो गई, पुरानी मंडी के पुराने पापी हैं बाबा, पापी का सवाल पुराने शौकीन, पुराने शौकीन भाई वो, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जानवर था भाई। अब आगे चलते हैं मंडी में और आपको दिखाते हैं इसकी प्रेजेंस जो है ना वो, हाँ बहुत जबरदस्त, वो अलग ही नजर आ रहा है वो, देखें तो सही। खैर अभी लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे निकल गया, हम तो मुंह मोड़ मोड़ के देख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा, ये वो ब्लॉक है मैंने आपको कहा था ना, ये देखें अभी जो पार्टीशन आया ना, इसका मतलब है कि गोल्डन ब्लॉक शुरू हो गया है। तो गोल्डन ब्लॉक और सफायर ब्लॉक में थोड़ा सा इशू यही है कि पता नहीं चलता साथ जुड़े हुए, लेकिन बाकी ब्लॉक्स में आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा भाई क्या हिसाब किताब है। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी इसमें जगह खाली है, ये तो बीच वाली जगह तो खैर खाली रहेगी, यहाँ तो गाड़ियां चलती हैं जिसमें ये, यहाँ तो खाली रहेगी, यहाँ जानवर नहीं आएंगे, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत जगह यहाँ पे खाली है। लेकिन ये वो ब्लॉक है, केपी के ब्लॉक भी अच्छा खासा पॉपुलेट हो गया, पंजाब ब्लॉक आज पहली बार मैं खुद जाऊंगा, बकरा मंडी और गाय मंडी भी, ऊंट मंडी भी हम लोग आज पहली बार ही जाएंगे, हालांकि आते रोज हैं, लेकिन बस वो हमारा क्योंकि शौक गायों वाला है ना, इस वजह से हम लोग हमेशा गाय देख के चले आते हैं। बाबा कम आए, मैं अपना कोटा पूरा करके, ये देखें भाई ये सारा सिब्बी, बहुत इस पूरे कराची, इस वक्त कराची में ना सिब्बी का बहुत ज्यादा माल आया हुआ है। एक पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले, और वो भी 15-14 मिनट की थी, उसके बाद आप ये देख सकते हैं अभी भी और सिब्बी कवर करने को मिल रहा है। वो पीछे देख रहे हैं भाई, बहुत ह्यूज कैटेगरी का सिब्बी खड़ा है वो, देख ओए होए माशाल्लाह भाई, सिब्बी का बहुत भरपूर माल आया हुआ है। ये जगह अभी थोड़ी खाली है क्योंकि ये एंड एंड की जगह, ये एंड में भरेगी, अब जिसको जगह यहाँ मिलेगी मिलेगी। तो ये है भाई मामला कि आप देख सकते हैं अभी एक ही ब्लॉक में इतना टाइम स्पेंड हो गया, तो आप देख सकते हैं भाई मंडी कितनी बड़ी है। कराची मंडी जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको बताता चलूँ भाई, कराची मंडी इतनी ही बड़ी होती है, और हम क्योंकि फॉर्चुनेट इनफ है कि मैं वीडियोज वगैरह बनाता हूँ और रेगुलर आना होता है, तो मैंने पास लिया है ना, जो लोग पास नहीं लेते वो तो बेचारे कभी पूरी मंडी घूम भी नहीं पाएंगे। भाई बाबा तो सिब्बी देख देख के जो है ना वो खुश हो जा रहे हैं। उधर बाबा बाबा सलीम भी हैं, वो आपको वो भी दिखाने हैं, वो बड़े टॉप क्लास हैं, बस वो थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं वीडियो बनाने पे, तो इसलिए मैंने उनके साथ वीडियो नहीं बनाई पिछली बार मैं गया था। ड्राइव थ्रू तो हम बनाएंगे, लेकिन भाई ये देखें सारा सिब्बी का माल, बहुत भरपूर क्वांटिटी में सिब्बी। ओए 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 भाई साहब, भाई जान क्या बात है। इसको जरा बाबा फ्रंट से लेके आए ना यार, ये भारी भारी सिब्बी जब आना शुरू हो गया ना, पहले हाइट वाले तो आते थे लेकिन इतने भारी नहीं आते थे, अब भाई ये देख सकते हैं। हाँ ये हाथ भराई वाले, वो भी हाथ भराई वाला ही होगा जो हमने शुरू में दिखाया है, उसमें कौन सा उन्होंने बहुत वो की होगी, लेकिन माशाल्लाह भाई चीजें ये देखें भाई, सिब्बी की नॉर्मली इतनी झालर नहीं होती, झालर नहीं होती, अब देखें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, झालर नाफ में नहीं होता था, लेकिन अब बस वो कर रहे हैं भराई वराई कर रहे हैं, और इसमें कोई इतनी कोई इसमें वो साइंस नहीं है। सिब्बी की खूबसूरती झालर में नहीं है, इसकी हाइट में, हालांकि आप देखेंगे ना तो भूसा ही खिला रहे होते हैं, भूसा कोई ऐसी चीज थोड़ी जो इतना वेट गेन करे, लाइट चीज होती है भूसा वो, हाँ लेकिन वो करते हैं चक्कर। लेकिन बाबा अगर आप बिल्कुल एंड में जाएंगे ना, वहाँ पे बाबा सलीम बैठे हैं, आपको वो भी दिखा दूँ मैं, इसलिए आप लोगों को बाबा सलीम बार बार बोल रहा हूँ कि उनके पास एक दो बछड़े ऐसे हैं जो पूरी मंडी में नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन का बछड़ा ऐसा है, आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में एक वीडियो में देखा हुआ भी होगा, क्योंकि मैंने सिनेमैटिक्स बनाए थे, मैंने जिस तरह भी आपको बताया कि एक दो यूट्यूबर बाबा सलीम के पास आए थे, उन्होंने कुछ अच्छी बात नहीं करी, थोड़ी बदतमीजी करके चले गए थे, वो उसके बाद से बाबा सलीम की जो है ना हट गई है उन्होंने। मैं पिछली बार गया था तो मैं तो मेरे से बड़े अच्छे से बात की, क्योंकि मैं पंजाबी बोलना शुरू हो गया उनके साथ, वो भी पंजाब लाहौर से आए हैं, तो मेरे साथ तो बड़ा अच्छे है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे ऐसी बातें की कि यार ये वीडियो वाले आते हैं ये हुआ, तो फिर मुझे अच्छा ही लगा, मैंने कहा यार वीडियो बनाऊं। लेकिन ये है कि बाबा सलीम माल बहुत अच्छा लगा। फिर सिब्बी भाई यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही अलग है मेरे नॉर्मल कॉन्टेंट से, क्योंकि ये बिल्कुल बस गाड़ी पे बनेगी पूरी वीडियो, और इससे होगा ये कि बाबा आए हुए हैं तो मैंने कहा दो वीडियो तो कम से कम आज बनाए बाबा के साथ, एक ये बना लेते हैं हाँ, और बाबा को भी हर जगह लेके भी जाना है, बकरा मंडी लेके जाना है, वहाँ पे आए हुए ये आगा भाई बाबा सलीम आपके ना सामने, ये लेफ्ट पे जो ये बैनर लगा हुआ है बाबा सलीम का बैनर है। यहाँ पे खत्म होता है गोल्डन ब्लॉक और इसके बाद हम केपी के ब्लॉक जाएंगे सीधा निकल के, लेकिन भाई ये है, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन खड़ा हुआ था ना वो पीछे खड़ा हुआ, वो देखें वो ऑस्ट्रेलियन, देखें वो ऑस्ट्रेलियन, तो भाई ये दिखाने के लिए मैं आप लोग को आ रहा था। तो भाई ये जो ऑस्ट्रेलियन खड़ा हुआ है ना अंदर, इसके सारे पैसे हैं, ये बाबा सलीम का डेरा है भाई, इन्होंने अपनी तस्वीर वस्वीर भी लगाई है, बाबा सलीम मुझे वैसे नजर भी नहीं आ, लेकिन भाई ये देख सकते हैं आप ऑस्ट्रेलियन, मैंने आपको दिखाना था ना वो पीछे जो खड़ा हुआ है वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। ऐसा बछड़ा पूरी मंडी में नहीं है, भले कोई जितना भी फैंसी अपना छपड़ा बना ले या जो भी नाम वाम लिख के या शादी वाला माहौल बना ले, अगर बछड़े की बात करेंगे ना मंडी का सबसे बड़ा बछड़ा वही था। मैंने इसलिए इस वीडियो में इतना घुमा फिरा के बाबा को यहाँ पे लेके आया हूँ कि आप लोग को दिखा दूँ, जिसको देखना है, मैंने आपको बताया कि उनकी वीडियो वालों से हटी है लेकिन वैसे वो अच्छे आदमी है, तो अगर आप देखने आएंगे लुआ के हर चीज वो दिखाते हैं, उनको वैसे कोई मसला नहीं है, तो उनका बस ये सीन था।
हम आगे जा रहे हैं, ये हम निकल आए वही मेन रोड पे जहाँ से हम लोग सफाई ब्लॉक में एंटर हुए थे, वहाँ से मेन रोड जा रहे हैं। आगे से हम राइट होंगे और सीधा जाएंगे तो फिर हम लोग केपी के ब्लॉक निकल जाएंगे। सीधा बिल्कुल केपी के ब्लॉक है, राइट पे जो है वो पंजाब ब्लॉक है और मरकरा मंडी ऊंट मंडी है। तो ये आपको, हाँ तो ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मैं वीडियो भाई, जो लोग मंडी में आके घूमने से गुरेज करना चाहते हैं कि भाई फालतू में इधर उधर ख्वार ना हो केपी के ब्लॉक ये वो, क्योंकि आपको पता है मैं एक बात बताऊँ, सुजुकी वाले जो होते हैं ना आप, क्योंकि आएंगे बगैर पास के अगर, तो आप पार्किंग में आएंगे गाड़ी लगाएंगे और फिर हाँ रिक्शे वाले भी होते हैं ना, तो वो आपको उस तरह सही से नहीं करके देंगे, क्योंकि उनका एक अपना एक स्टाइल होता है, आपको बीच में शुरू में छोड़ जाते हैं, अपना कम पेट्रोल लगाते हैं, पैसे ज्यादा मांगते हैं, वो आपको यहाँ छोड़ जाएंगे, बोलेंगे केपी के ब्लॉक स्टार्ट हो गया, हालांकि केपी के ब्लॉक वो आ गया, समझ रहे हैं, वो आपको यहाँ कहीं उतार जाएंगे। अब यहाँ पे आप जानवर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार यही केपी के ब्लॉक होगा, हालांकि वीडियोज बहुत हैं। हाँ अब जिस तरह ये लेके जा रहे हैं ना आप लोग इसी पे आएंगे, मैं भी इसी पे ही घूमता था पिछले साल, तो वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आपको क्यों उतार देंगे और बोलेंगे केपी के ब्लॉक है, तो ये उन लोगों की गाइडेंस के लिए वीडियो है कि भाई जो लोग आएंगे उनको पता होगा भाई कौन सा केपी के ब्लॉक है, कौन सा पंजाब ब्लॉक है, हम लोग सही जगह पे हैं नहीं है, तो ये इसलिए बस ये वीडियो बना रहा हूं, और इसका फोकस भी सिर्फ यही है कि भाई जो लोग आना चाहते हैं और ख्वारी से बचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है, आपको हमने दिखाया अभी सिर्फ दो ब्लॉक दिखाए हैं, तो 13 मिनट की वीडियो हो गई है, कटने के बाद भी 10 मिनट की हो जाएगी, तो उसके बावजूद भी ये बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम मंडी घुमा रहे हैं, और अभी बहुत जगह जो मैंने नहीं कवर की होंगी, यहाँ से जो है ना ये कुरेशी पट्टी कहलाती है, ये भी केपी के ब्लॉक नहीं है, इसको हम कुरेशी पट्टी कहते हैं, ये जगह या वो सामने वाली जगह वो कुरेशी पट्टी है, तो बाबा पहले पंजाब ब्लॉक एंड में चलते हैं, पहले आप यहाँ से लें लेफ्ट, हाँ जी लेफ्ट लें और फिर राइट ले लें, तो ये भाई आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कुरेशी पट्टी है, आपको हमने पूरा रास्ता मैंने गाइड कर दिया, इससे ज्यादा तो गूगल मैप्स मैं नहीं कर सकता था, लेकिन अब ये गेट नंबर 5 सामने लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, तो भाई यहाँ से आप सीधा आएंगे ना, ये छायल इनक्लेव फेस 2 जो लिखा हुआ है ना, ये केपी के ब्लॉक स्टार्ट है, ये जो है ये कुरेशी पट्टी कहलाती है, ये केपी के ब्लॉक, यहाँ से सीधा भाई टेंशन नहीं है, नहीं नहीं ये करेक्ट साइड है, मंडी में कोई रॉन्ग साइड नहीं होती, मंडी के पाकिस्तान में कोई नहीं, ये सारी एक ही उसमें जाती है ना, ये भाई केपी के ब्लॉक शुरू हो गया, हम लोग केपी के ब्लॉक में घुस आए हैं, दिस इज जनरल ब्लॉक, यहाँ पे 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप लोग अब तक आइडिया हो चुका होगा ये जनरल ब्लॉक है, जमीन के पैसे नहीं होते यहाँ पे, तो माल थोड़ा सस्ता मिल जाता है कंपैरेटिवली शुरू से, लेकिन अभी तो खैर कहीं भी कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ही चल रही है पूरी मंडी में, लेकिन हाँ लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है ना वो अभी रिश्ता, मैंने आपको इतने बड़े बड़े जानवर दिखाए, सिप भी दिखाए, ऑस्ट्रेलियन दिखाए, क्या क्या दिखाया, यहाँ पे आपको नॉर्मल कैटेगरी का जानवर, बड़ा जानवर भी नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादातर नॉर्मल कैटेगरी का जानवर, हाँ यहाँ एक जानवर है देखिए ना छोटा छोटा, ये वो जानवर है जो हम लोग खरीदते हैं बेसिकली, ये वो जानवर है कुर्बानी के लिए, गोश्त के लिए आपसे अच्छे जानवर है, ठीक जानवर, हाँ नहीं नहीं ये अच्छे जानवर के हिसाब से भी, कराची में बाबा वो नहीं आते हैं माल, वो कट्टू वाला माल जो है ना वो पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन वो बस जो व्यापारी लाए हैं वो लाए हैं, जो पाल के लाए हैं वो अच्छा माल ही लाए हैं, वो जो कट्टू वाले हैं वो खरीद के लाए हैं, वो खुद मुंह से बोल रहे हैं इंटरव्यू ले लेके थक गया मन के, लेकिन ये देख सकते हैं इनको देख के लगता है कि इनकी खुराक प्रॉपर, हाँ नहीं नहीं अच्छे नॉर्मल खुराक होनी, अब बाबा सर्वाइवल ही नहीं है इतना, तो इतना शोर शराबा मच गया है गाय पालने और बकरे पालने के हिसाब से, ये फार्मिंग का चक्कर जब से आया कि अब तो गुजारा ही नहीं है ना बगैर उसके, ये देखे ना माशाल्लाह ये बछड़ा कितना जबरदस्त खड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था कि भाई ये पूरा, हाँ मैंने पिछली बार यहीं से परचेज किया था, आप तो नहीं आए थे उस दिन जब हमने जानवर खरीदा था, लेकिन हमने उधर राइट साइड पे, वो मैं बहुत दफा लोगों को बता चुका हूँ वीडियोस में कि हमने कहाँ से परचेस किया था, तो मैंने नहीं खुद कफील नहीं, इस बार आपको लेके, उस दिन आप आए नहीं, उस दिन हम लेने मायर की बच्ची आए थे ना, हमने याद नहीं है, मैंने अपना जानवर लेना ही आता, बस वो नसीब की बात है कि वो सौदा बन गया तो फिर खरीद लिया, पैसे भी नहीं थे, दूसरे व्यापारी से ले गए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके, तो चचा को हमने पैसे दिए थे, तो यहाँ से राइट ले लेगा आगे तो बंद हो जाएगा, ये भाई यहाँ पे केपी का ब्लॉक खत्म हो रहा है, ये ब्लॉक दिखाने इससे आगे मतलब यही चल रहा है, लेकिन बस वो आगे रोड नहीं है ना, मतलब बाइक के लिए गाड़ी के लिए नहीं है, वो आगे खत्म हो जाता है, वो देखें आप ये देखें ना, ये सारा माल आपको भैया मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख लें और आप लोग एक बार आंखें ठंडी कर लें, पूरी मंडी का जो है ना ड्राइव थ्रू चल रहा है इस वक्त, और ये आप देख सकते हैं ये सारा मिक्स कैटेगरी माल है, अब ये बछड़ा बहुत जबरदस्त खड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो ये बछड़े खड़े हैं ये एक ही बंदे के बछड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा ये फर्क है ना, हाँ ये सारा वही है हमारा जो नॉर्मल हम लोग करते हैं कुर्बानी जो गांव में बफल से पले हाँ, लेकिन अब ये देखें बीच में ये अच्छे आ गए, ये वाले बछड़े देखें आप, तो ये ऐसा हिसाब किताब है, पिछले दिनों मैं यहाँ वीडियो बना के भी गया हूँ, मेरे ख्याल से सीरियस बायर्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए ये जगह बेहतर है, हाँ ये सीरियस तो यहाँ पर आप बेहतर तो नहीं है, अभी इनसे रेट पूछेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, जिस तरह के रेट ये मांग रहे हैं, देखें भाई ये भी अब बछड़े हैं, तो यहाँ पे मतलब ये केपी के ब्लॉक जनरल ब्लॉक इज अ मिक्स कैटेगरी ब्लॉक, और उससे यही हिसाब किताब आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो परचेजर है वो यहाँ पे आए तो उसका अच्छा सौदा बन सकता है, अभी तो सौदा बनाना आपकी स्किल पे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी मंडी कोई इतनी अच्छी खास है नहीं, या मैं कैमरा लेके जाता हूँ अभी तो उनको ऐसा भी लगता होगा यार ये खरीदने वाला नहीं है वीडियो वाला, ये तो मेरे से अलग ही बातें करते हैं, ये माशाल्लाह देखें अच्छा खूबसूरत बछड़ा है, ये माशाल्लाह अच्छा बछड़ा है, नो डाउट अच्छा बछड़ा है भाई, आप देख सकते हैं ये सारा केपी के ब्लॉक, ये वीडियो लंबी भी होगी लेकिन आपके फायदे की होगी, उसकी वजह यह कि पूरा केपी के ब्लॉक आपको घुमा के दिखा दिया, आपको सफायर ब्लॉक गोल्डन ब्लॉक अच्छे बड़ा सिप भी दिखाया, ऑस्ट्रेलियन दिखा दिया जो सबसे बड़ा सब मंडी में खड़ा हुआ है, और ये सारे हिसाब किताब आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि तो इस वीडियो का सारा लुबे लुबा मैंने जिस तरह आपको बताया वो यही है कि ख्वार ना होना पड़े आपको मंडी आके, आपको पता हो भाई किधर क्या खड़ा हुआ है, पूरा आपको एक एक रोड पे घुमा के दिखा दिया, अगर आपको जैसे सामने फर्ज करें आपको ये वाला जानवर पसंद आ रहा है तो आपको पूरा दिखा दिया कि भाई ये यहाँ खड़ा है तो आगे ले जाना, ये देखें माशाल्लाह ये देखें अब ये देखें
देखिए ये भी इधर ही खड़ा है जहाँ पे छोटे छोटे हैं। ये लंपी कवर्ड ही है, ये बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये लंपी कवर्ड है। लेकिन खैर अब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 2 साल हो रहा लंपी को वैब राइट ले लेगा भी। इस तरह ऑफ रोडिंग का गाड़ी नहीं है, वैबो पे नहीं आए हुए हम। तो भाई अब हम लोग निकलते हैं केपी के ब्लॉक से बाहर और आपको लेके चलते हैं पंजाब ब्लॉक, ऊंट मंडी और बकरा मंडी। तो भाई ये हम लोग अब केपी के ब्लॉक से बाहर हो रहे हैं, अब आपको हम रास्ता समझा देते हैं पंजाब ब्लॉक का, केपी के ब्लॉक का। अगर आपने रास्ता देख लिया तो आपको पंजाब ब्लॉक भी इजीली आप पहुंच जाओगे। उसकी वजह यह कि भाई हम केपी के ब्लॉक बाहर से बाहर होते हैं ना, तो आपको मैं बताता हूँ कि भाई क्या मामला है। और ये हम लोग बाहर हो गए, जिस तरह मैंने बताया था ये होटल छोटल है, ये इसको हम कुरेशी पट्टी कहते हैं, ये कोई ब्लॉक नहीं है। अभी मैं आपको यही समझा रहा था कि भाई जो कुरेशी पट्टी है और जो ब्लॉक है उसमें यही फर्क है कि आपको रिक्शे वाला सुजुकी वाला वहाँ भी उतार सकता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उसको बोलना है भाई जहाँ पे गेट है छायल इनक्लेव फेस 2 का मुझे वहाँ उतारो, क्योंकि केपी के ब्लॉक वहाँ से शुरू होता है। कुरेशी पट्टी भी सही है, यहाँ भी सौदे बन जाते हैं, सौदा तो कहीं भी नसीब का होता है, कहीं भी बन जाता है। लेकिन जो लोग फोकस्ड होते हैं भाई आगे के सुजुकी बैठ गए केपी के ब्लॉक जाएंगे या पंजाब ब्लॉक जाएंगे या यहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, तो उनके लिए भाई ये वीडियो है कि उनको पूरा रास्ता मैं गाइड कर रहा हूँ। ये सारी कुरेशी पट्टी अभी ये भरी नहीं है, तो ये है कि केपी के ब्लॉक बाबा और मेरे हिसाब से यही है कि वो तो पूरा पॉपुलेट हो ही चुका है। केपी के ब्लॉक में तो खाली जगह नजर ही नहीं आई हमें, केपी के ब्लॉक अच्छा खासा पॉपुलेट हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं सीधा हम लोग जा रहे हैं, ये आगे जानवरों का क्या है, जानवरों का क्लिनिक, हाँ ये जानवरों का क्लिनिक क्लिनिक आ गया। ये होटल शोटल बने हुए व्यापारियों के लिए, सारा हिसाब किताब है। आपको यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो पंजाब ब्लॉक आएगा और ऊंट मंडी बकरा मंडी आएगी। तो चलते रहते हैं आगे और आपको दिखाते हैं भैया। तो भाई अब हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रेट आए हैं, ये कच्ची रोड है, मतलब जिस तरह पक्की रोडों पर चल रहे थे वैसी रोड नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे पंजाब ब्लॉक शुरू हो गया है, अगर आप लोग देख सकें तो आप लोग को जो है वो अभी आगे तो छपड़े आ रहे हैं ये सब, लेकिन ये सारा पंजाब ब्लॉक है। इसके अंदर आई थिंक ऊंट मंडी है, आप देख सकते हैं ऊंट मंडी। पहले ऊंट मंडी दिखा देते हैं आप लोग को, जो लोग ऊंट के बाहर हैं जो कि कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो माशाल्लाह से ऊंट के बायर्स हैं उनके लिए ऊंट मंडी का भी एक चक्कर हम लगा देते हैं। यहाँ से सीधा ऊंट मंडी घुस रहे हैं हम लोग अब। और ये भाई ये नॉर्दर्न एरियाज की वाइब आने वाली है, ये नीचे उतरे हम लोग आए मजे से। चलो भाई तो ये आपके सामने, भाई सामने अगर आपको नजर आएंगे तो ऊंट मंडी शुरू हो गई है। आपको रास्ता मैंने समझा दिया केपी के ब्लॉक से निकल के, या वैसे आगे आपने अगर राइट साइड पर होंगे तो आपको कच्ची रोड सी आएगी, मतलब जिस तरह बाकी रोड बनी हुई वैसी रोड बनी हुई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक बाउंड्री वॉल के अंदर ऊंट मंडी है, क्योंकि ऊंट मंडी छोटी होती, ज्यादा बड़ी होती नहीं है। तो ऊंट मंडी में ये है कि आपको हम दिखा देते हैं भाई ऊंट के मामला, और ये सारे ऊंट खड़े हैं माशाल्लाह लाइन से। तो भाई ये देखें आप ऊंट मंडी में हम लोग एंटर हो चुके हैं, आपको ऊंट नजर आ रहे होंगे। तो भाई ये आपको मैं उतर गया हूँ गाड़ी से दिखाने के लिए कि भाई ये ऊंट मंडी है, आप चेक कर सकते हैं। ऊंट की कमी होता है तो मैंने कहा उतर के आपको दिखा दूं, कोई ऐसा बड़ा मसला होगा नहीं हमें दरपे। मतलब ये बहुत बड़ी गाय मंडी, इतनी बड़ी है वैसी बड़ी मंडी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे काम शाम चल रहा है, लाइटें वाइटें लग रही है ताकि ग्राहक वाहक जब रात के टाइम आए तो उनको ईजी हो। ये देख सकते हैं भाई लाइन से ऊंट खड़े हैं बहुत सारे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है भाई मामला कि ये ऊंट मंडी इतनी कोई पॉपुलेट अभी हुई नहीं है। तो भाई ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊंट मंडी के सारे मामला आपको दिखा दिए, तो आगे चलते हैं और आप लोग को पंजाब ब्लॉक, वो सामने पंजाब ब्लॉक है, ऊंट मंडी और आपको बकरा मंडी भी दिखा। ये देख सकते हैं भाई दोबारा मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और अब हम लोग आगे चलते हैं, ऊंट और दिखा देते हैं आपको, वॉक थ्रू भी दिखाते हैं। वैसे मैंने मंडी का आपको घुमा के फिर आगे दिखा दिया, लेकिन ये आप देख सकते हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त ऊंट यहाँ पे आपको नजर आएंगे, जबरदस्त भाई मजा आ गया। ओए ओए ऊंट वैसे कम ही आता है मंडी में, तो वैसे कोई कटिंग वटिंग इनको करते हैं, कुछ पे काश्कारी कर देते हैं, किसी पे मेहंदी लगा देते हैं, किसी की कटिंग वटिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह दिखा देते हैं लोगों को, खूबसूरत माशाल्लाह। नहीं अच्छे ऊँट अच्छे आए हैं, बड़े बड़े आए हैं अभी। ये खैर पूरा ओवरऑल भरा हुआ नहीं है ऊँट, अभी और भी आएंगे आप देख सकते हैं भाई। ये सारे आपको सारे ऊँट दिखा दिए भाई, कि वो ना रहे कि भाई पूरी वीडियो बनाई और ऊँट सारे दिखाए नहीं। तो ये ऊँट हैं, इनके रेट्स वगैरह मैं फिर किसी और वीडियो में ले लूँगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आते हैं तो फिर हम दोबारा आके बना लेंगे वीडियो। लेकिन अभी क्योंकि ये ड्राइव थ्रू वीडियो तो हम आपको जाके दिखाते हैं। पंजाब ब्लॉक में अभी घुसने की जरूरत नहीं है, पंजाब ब्लॉक में आपको दिखा दिया। और सामने जो है गेट के बिल्कुल सामने पंजाब ब्लॉक है, और लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे बकरा मंडी है, वो सामने बकरा मंडी है, तो वहाँ भी आपको जाके दिखाते हैं। और हमने सुना है कि तवक्कल भाई बकरा मंडी में आ चुके हैं, तो जाके उनसे ही मुलाकात करते हैं। तो भाई अभी हम निकल रहे थे ऊंट मंडी से बाहर, तो ये माशाल्लाह से ऊंट खोले हुए हैं और चलने का स्टाइल ये वो बड़ा प्यारा चल रहे हैं, मस्ती में है भाई ये सारे ऊंट ऊंट आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है कि मैंने आपको इस तरह बोला, ओए 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 भाई फुल मस्ती में है ये देख सकते हैं भाई आप। तो खैर मैंने आपको इस तरह भी बताया कि फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह ऊंट की मंडी की वीडियो भी आपको बना के दिखा देंगे, जिसमें रेट्स वगैरह व्यापारियों से मुलाकात। असल में ऊंट मंडी की वीडियो में बहुत कम इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पता ही कुछ नहीं है ऊंट के बारे में, बस ये पता है कि 5 साल में 2 दांत होता है, तो इसलिए थोड़ा महंगा होता है कि 5 साल के पला होता है और सारे मामलाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इतनी नॉलेज है ही नहीं कि ऊंट का क्या हिसाब किताब होता है। तो मैं आगे कुछ वीडियो बनाऊंगा या कोई बात करूंगा तो रेट खराब करने वाली बात है, मतलब जिसका पता नहीं है और मैं आगे बोल दूं भाई ये तुम 2.5 लाख का 3 लाख में दे दो, तो जब एक चीज का पता ही नहीं है तो हाँ यहाँ से ही बाहर अगर आप लेफ्ट ले लेंगे ना सामने बकरा मंडी। भाई ये हम लोग निकले हैं ऊंट मंडी से गेट से, सामने आप देख सकते हैं ये होटल शोटल वही छपड़े वपड़े तो बने हुए हैं हर जगह। और ये हम सीधा जा रहे हैं भाई, अब हम लोग एंटर हो रहे हैं बकरा मंडी, यहाँ पे हम स्टे करेंगे और यहाँ पे तो हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी हर वीडियो में भाई बकरा मंडी की वीडियो बनाए। आपको मोटी मोटी मैंने पूरी मंडी की ड्राइव थ्रू दे दिया, पंजाब ब्लॉक दिखा दिया, केपी के ब्लॉक दिखा दिया, सफायर गोल्डन ऊंट मंडी, अब हम आ गए बकरा मंडी। यहाँ पे मैं इस वीडियो को जो है ना
ना अभी थोड़ी सी आपको बकरा मंडी दिखा के यहाँ पे एंड कर दूंगा, क्योंकि हमें बकरा मंडी की एक प्रॉपर वीडियो बनानी है। और बाबा को इसलिए लेके आया हूँ कि चले गाय वगैरह का तो मैं हूँ थोड़ा बहुत फिर भी, लेकिन बकरों में जो है आपको पता है आशीष भाई और बाबा हमारे मेन फोकल पर्सन है। आशीष भाई अभी कराची में नहीं है, तो जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी वीडियोस में आ जाएंगे। बहुत कमेंट्स आ रहे थे बंसी भाई आशीष भाई कहाँ गायब हैं, वो भी कराची में नहीं है, जब आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो में आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं भाई ये बकरा मंडी चल रही है प्रॉपर। बकरा मंडी भी बहुत प्रॉपर लगी नहीं, क्योंकि बकरे वैसे भी कम दिनों के लिए आते हैं, कम ही आते हैं कराची में गाय के मुतरादिफ, लेकिन ये है कि भाई ये बकरा मंडी है। अब एक काम ऐसा करते हैं बाबा जान के तवक्कल को ढूंढते हैं, तवक्कल यहीं कहीं है। ये कौन है? ये तवक्कल ही खड़ा हुआ है गैस, ये सामने लग तो रहा था लेकिन पता नहीं भाई, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ सभी एक जैसे ही लगते हैं, हाँ ये सारे एक ही जैसे हैं, एक ही गांव के होते हैं सारे, एक ही जैसे शक्ल के। तवक्कल ही है ये, तवक्कल ही है। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, ड्राइव थ्रू वीडियो को यहाँ मैं करता हूँ एंड। तवक्कल है ये भाई, ये तवक्कल भाई के पास आ गए, तो यहाँ से एक अलग वीडियो शुरू होगी बकरा मंडी की, लेकिन ये ड्राइव थ्रू वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी, इसमें मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तो इंशाल्लाह मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा इस पूरी वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करने, एक यूनिक आइडिया लेके आया था, तो इस वजह से ये है कि आप लोग को एक आइडिया हो गया। तवक्कल के पास आ गए तो यहाँ मिलते हैं, इससे बात करते हैं और एक दूसरी वीडियो का आगाज करते हैं बकरा मंडी की। ये थे भाई आज के ड्राइव थ्रू के मामला, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, कॉमेंट करें। 53,000 सब्सक्राइबर अलहमदुल्ला हो गए, तो 54 की कोशिश है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है भैया, पीस आउट।